मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन होने की वजह से लोग परेशान तो हैं ही, मगर सबसे बड़ी मुसीबत उन मरीजों के लिए हो गई है, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो या फिर डायलिसिस। अचानक किसी की तबीयत अगर बिगड़ जाए तो मुमरा में एम्बुलेंस ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। इस लॉकडाउन के दरमियान कई मरीज एम्बुलेंस न मिलने की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हर किसी के पास वाहन भी नहीं है कि वो मरीजों को अस्पताल पहुंचाए। अक्सर आम दिनों में ये मरीज ऑटो रिक्शा से ही अस्पताल जाते थे, मगर लॉकडाउन होने से सब बंद है। अब कहीं कोई व्यक्ति मरीज को पीठ पर लेकर अस्पताल जाते हुए नजर आ रहा है, तो कहीं कोई हार्ट के मरीज को टेम्पो में लेकर अस्पताल पहुंचा रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी एम्बुलेंस सेवा मुमरा शहर में नज़र नहीं आ रही है, और प्राइवेट एम्बुलेंस का किराया सुनकर ही मरीज की तबीयत और बिगड़ जा रही है। आपको बता दें कि चाहे वो हार्ट का मरीज हो या डायबिटीज, टीबी, डायलिसिस और भी ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें अस्पताल बराबर जाना पड़ता है, मगर ऐसे में लॉकडाउन होने की वजह से वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। मगर इन मरीजों की फिक्र आखिर अब कौन करेगा? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घरों में रहना बेहद ज़रूरी है, सरकार के दिए नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, मगर जो और भी मरीज हैं आखिर उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या घरों में रहने से इन मरीजों का इलाज हो जाएगा? आखिर शासन प्रशासन की तरफ से मुमरा शहर में एम्बुलेंस कब मुहैया कराई जाएगी? प्रहार टाइम्स पर एम्बुलेंस न मिलने वाले मरीजों की खबर जब चली तो एक अंजुमन दर्दमंदाने तंजीम आगे आई और मुमरा शहर के मरीजों के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराई। इस तंजीम की तरफ से ये जानकारी दी गई कि मुमरा से मुंबई या फिर नवी मुंबई के लिए हमारे पास एम्बुलेंस सेवा है, मगर इन्होंने ये भी बताया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री है, यानी किसी से कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप पूरा किराया भी दे सकते हैं, अगर आपका किराया अनुमानित 1,000 रुपये है तो आप 500 रुपये भी दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको ये एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप एम्बुलेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामुद्दीन भाई, देखिए, हम लोगों ने आपके ही चैनल पे हम लोगों ने देखा कि लोग एम्बुलेंस के लिए बहुत परेशान हैं। कोई कंधे पर उठाकर अपने मरीज़ को, पेशेंट को लेके जा रहा है। उसके अलावा हमने देखा कि शहर में एम्बुलेंस मौजूद है लेकिन लोगों को इसका इल्म नहीं है कि इनके यहाँ भी एम्बुलेंस है, और लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोग भी कि जो उसका किराया अदा करने की भी इस्तितात रखते हैं लेकिन एम्बुलेंस सिर्फ न मिलने की वजह से टेम्पू वगैरह में लेके जाने पर मजबूर है। ये सब वीडियो देखने के बाद हमारी तंजीम हरकत में आई, और इसके मुताल्लिक मैं सब में पहले आपको ये बताते हुए चलूं कि हमारे पास ये जो एम्बुलेंस है वो हमारे कोकण के ही मशहूर समाज सेवक बशीर हजवाने साहब, इन्होंने इस एम्बुलेंस को हमको यानि अंजुमन दर्दमंदान तालीम और तरक्की ट्रस्ट को डोनेट किया है। सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ हमको हदिया कर दी है और लोगों के सेवा में है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लिहाजा मैं आपके माध्यम से मुमरा में बसने वाले तमाम लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और ये ऐलान कर रहा हूँ कि जिसको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हो वो हमसे राबता करे, और जो इसका किराया अदा करने की इस्तितात रखते हैं वो किराया अदा करे, और जो लोग इसकी भी इस्तितात नहीं रखते हैं, मैं आपके माध्यम से हर एक तक यह ऐलान पहुंचाना चाहता हूँ, ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि कोई भी गरीब हो या किसी भी तरह का कमज़ोर आदमी हो, वो अपने को कमज़ोर और गरीब न समझे बल्कि वो हमसे रابطہ करें और इस एम्बुलेंस को हमसे फ्री में हासिल कर ले। जो इस्तितात नहीं रखते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो इस्तितात नहीं रखते हैं
वो हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको सर्विस देंगे और फ्री में सर्विस देंगे। और ये हमारा ऐलान जो है ये लोकल एरिया के लिए है, यानी मुंब्रा से बम्बई तक और नवी मुंबई तक के किसी भी अस्पताल में मरीज को जाना है, पहुंचाना है, उसके लिए ये हमारे तरफ से ऐलान है। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में एम्बुलेंस की समस्या काफ़ी दिनों से है, यहाँ तक कि हादसे होने के बाद भी मृतकों को ज़्यादातर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। शासन प्रशासन नियम कानून तो बनाती है, मगर मुंब्रा शहर में एम्बुलेंस कब मुहैया होगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। या फिर इसी तरह से पीठ पर मरीज को अस्पताल लोग पहुँचाते रहेंगे, या फिर हार्ट के मरीजों को या अन्य मरीजों को इसी तरह टेम्पू में रखकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इस तस्वीरों को देखने के बाद अब आप क्या कहेंगे कि मुंब्रा शहर का ये दुर्भाग्य ही है कि मुंब्रा जैसे शहर में एम्बुलेंस नहीं है, और अगर है तो एम्बुलेंस कहाँ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।